तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो भी आपने गलती किया होगा ऑनलाइन, जो भी गलती किया होगा उसको आप कैसे सुधार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया होगा या तो सचिव द्वारा आवेदन किया गया होगा या तो दोस्तों आंगनबाड़ी के द्वारा आवेदन किया होगा गया होगा, तो मातृ वंदन योजना में जितने लोग भी गलती कर चुके हैं उन लोगों को सुधारने का ऑप्शन मिल चुका है। और कैसे सुधार सकते हैं, किस प्रकार सुधारना है, जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कुछ दिन पहले में हमने वीडियो बनाया था कि हमें जो सुधारने का ऑप्शन मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए, लेकिन आखिरी में दोस्तों 2 दिन बाद ही वीडियो हमारा चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, और 2 दिन बाद ही यहाँ पर सुधारने का ऑप्शन जो है दे दिया गया है। तो बड़ी खुशी की बात है कि जितने लोग भी गलती किए हैं उन लोगों को सुधारने का मौका मिल चुका है और जो गलती है वो सुधार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप ऑनलाइन भी सुधार सकते हैं और जो है आप जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में जाके भी सुधरवा सकते हैं। तो सुधारने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बहुत ही खुशखबरी की बात है कि वो लोग जितने भी गलती किए होंगे, जितने नाम में गलती किए होंगे और जो है जितने भी गलती किए होंगे वो अपने आप जो है सुधार सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। और जो है लोग क्या कर सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यालय में जाके जो भी गलती हुआ है वहाँ पर जाके भी सुधरवा सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होगा, चलिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले किसी ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के जस्ट बाद दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की आईडी से लॉगिन करना है। इसके लिए तो mis.mahatariwandan state.gov.in करके लिखना है और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा, यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर विहाई लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। विहाई लॉगिन के ऑप्शन पे जैसे क्लिक कर देंगे दोस्तों यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। कौन डालेगा यहाँ पर जो है, कौन आईडी पासवर्ड डालेगा यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों जैसे कि दोस्तों लॉगिन कर लेते हैं फटाफट से, तो फाइनली देख सकते हैं हमने यहाँ पर लॉगिन भी कर लिया। अब लॉगिन करने के जस्ट बाद दोस्तों हमने जो गलती किया है या तो लोगों ने गलती किया है उसको कैसे सुधारेंगे, तो सुधारने के लिए दोस्तों यहाँ पर 3 लाइन दिया गया है, 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद दोस्तों पंजीकृत सूची के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और पंजीकृत सूची पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट लेवल सिलेक्ट करना है, आंगनबाड़ी द्वारा किया गया है, पब्लिश द्वारा किया गया है या तो दोस्तों ग्राम वार्ड द्वारा किया गया है। तो हम पब्लिश द्वारा चेक करते हैं, पब्लिश पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। इसके बाद दोस्तों हम सुधारना चाहते हैं, जो भी सुधारना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों यहां पर कोई भी चीज़ सुधारना चाहते हैं वो चीज़ सुधार सकते हैं। तो हम जो है यहां पर जो है स्वीकृत कर दिया गया उसको सुधार नहीं सकते, ठीक है, स्वीकृत कर दिया गया उसको सुधार नहीं सकते, लेकिन दोस्तों कोई भी चीज़ सुधारना चाहते हैं वो सुधार सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर सुधारने के लिए क्या करेंगे, सुधारने के लिए किसी पर भी क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों सुधारने के लिए किसी पर भी क्लिक करेंगे। चलिए मैं जो सुधारना चाहता हूँ उसी पर क्लिक करता हूँ और जो मैं बैक करता हूँ एक लेवल, तो यहाँ पर हम जो है पंचायत द्वारा लॉगिन नहीं किए हैं, हम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से आईडी से लॉगिन किए हैं। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सुधारने वाला ऑप्शन हमारे पास देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जानकारी देखने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर सुधारने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जिस लिस्ट में जिसका भी नाम गलत है उस लिस्ट को आप देख लेंगे, यहाँ पर नाम ढूंढ लेंगे और नाम ढूंढने के बाद दोस्तों इधर नाम देखने को मिल जाएगा, नाम ढूंढ लेंगे, नाम ढूंढने के बाद दोस्तों इधर स्क्रॉल करते इधर आना है और आने के बाद दोस्तों यहाँ पर लंबित आंगनबाड़ी द्वारा यहां पर जिसका भी देखना है, जिसका भी सुधारना है उस पर आपको क्लिक करना है। चलो एक मैं आप लोग दिखा देता हूं, एक किसी एक में क्लिक करता हूं, चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा लोड लेगा। इसकी जो डिटेल्स है, हितग्राही का क्रमांक आ जाएगा, आवेदन की तिथि आ जाएगी, सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी सुधारना है, आवेदन का आधार कार्ड नंबर दिखेगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला नहीं है, मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं इसका मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, आज राशन नंबर डालना चाहते हैं राशन नंबर डाल दीजिएगा, राशन कार्ड का नंबर डालना चाहते हैं राशन क्रमांक नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर जो है जो भी डालना चाहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सारी जानकारी दिया गया है, यहाँ पर बैंक अकाउंट चेंज करना है बैंक अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं, खाता नंबर चेंज करना है खाता नंबर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर जो है, और जो है यहाँ पर घोषणा पत्र भी आप अपलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अतिरिक्त दस्तावेज कुछ भी हो सकता है उसको भी अपलोड करना चाहते हैं उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको नाम से लेकर सारी जानकारी एडिट करने का ऑप्शन मिल गया है, मतलब जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सब कुछ कर सकती है, उसको एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकती है और जितना जैसे करना चाहती है वैसे कर सकती है, मतलब अपने हिसाब से जो नाम आपने जो है गलत दे दिया था या तो गलत लिख लिया था, जो भी स्पेलिंग मिसमैच हुआ था सबको आप यहां पर सुधार सकते हैं, मतलब हर चीज अब होने लगेगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर हर चीज अब होने लगा, सब चीज यहां पर सुधर जाएगा, देखिए सब चीज सुधर जाएगा। तो आप जो है क्या करेंगे, आपने ऑनलाइन किया था या तो आपने ऑफलाइन किया था और आप देख स्टेटस देख रहे हैं, स्टेटस में आपका नाम गलत बता रहा है, अकाउंट नंबर गलत बता रहा है, जो भी गलत बता रहा है, ठीक है आप चेक कर रहे हैं, तो आप चले जाइएगा
आंगनबाड़ी, और आंगनबाड़ी में जाके वहाँ पर बोलिएगा कि मेरा जो मैंने जो आवेदन दिए थी वो आवेदन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, स्पेलिंग मिसमैच हो गई है, या तो अकाउंट नंबर चेंज हो गई है, या जो भी हो गई है आप उनको बता सकते हैं। तो वहाँ पर एक बार फिर से जो है आपका डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जो भी मिसमैच हुआ उसको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ताकि वहाँ पर चेक कर सके, हाथों हाथ चेक कर सके, देख सके कि सही है या गलत है। और सही होगा तो दोस्तों आप लोगों को घबराने की चिंता नहीं है, अगर गलत होगा तो तुरंत चेंज कर देंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, तमाम दोस्तों शेयर करना, अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, सलाम।